नमस्कार, आप में से बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे और आपके क्रेडिट कार्ड में बहुत से बेनिफिट दिए जाते होंगे। बहुत से क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट होते हैं और बहुत से क्रेडिट कार्ड में कैशबैक बेनिफिट होते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट में होता क्या है कि आपका रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर होने की संभावना रहती है। दूसरा, रिवॉर्ड पॉइंट को वाउचर में कन्वर्ट करो, फिर उस वाउचर को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना, उसका अलग से नया प्रॉब्लम। तो इन सब को देखते हुए ज़्यादातर लोग अभी के टाइम में कोशिश कर रहे हैं कि वह कैशबैक बेनिफिट वाले कार्ड को लें, जो कि सिंपल और क्लियर होता है कैशबैक को लेना। तो इन्हीं सब को देखते हुए SBI ने नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और उस क्रेडिट कार्ड का नाम है कैशबैक SBI कार्ड। तो आज हम इसी कार्ड का रिव्यू देखेंगे और इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट क्या क्या हैं, इस क्रेडिट कार्ड के फी और चार्जेस क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए, और क्या यह क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, यह सब मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैशबैक SBI कार्ड के बेनिफिट के बारे में। तो फर्स्ट, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह है कि इसमें आपको ऑनलाइन स्पेंड पर 5% कैशबैक मिल जाता है। अगर आप कहीं पर भी ऑनलाइन खर्चे करते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या बहुत से शॉपिंग ऐप है वहाँ पर, तो वहाँ आपको 5% कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इससे रेंट पेमेंट करते हैं, अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, अगर आप अपने EMI का बिल पेमेंट करते हैं, अगर आप अपने वॉलेट में मनी ऐड करते हैं, तो इन सब पे आपको कैशबैक बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो 5% का कैशबैक आपको जो ऑनलाइन स्पेंड मिल रहा है, वो मैक्सिमम आप 10,000 रुपया तक ही बेनिफिट ले सकते हैं, उससे अधिक बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। आप महीने में अगर 2 लाख खर्चा करते हैं तो आपको 10,000 रुपया तक का कैशबैक मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। दूसरा जो बेनिफिट है इसमें, वह यह है कि आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करते हैं। जितने भी आपकी ऑफलाइन खर्चे हैं वहाँ पर इस कार्ड को यूज करते हैं, तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। तीसरा इस कार्ड का बेनिफिट है लॉन्ज एक्सेस। अगर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं और आपने अगर डोमेस्टिक फ्लाइट लिया है, तो आपको 4 लॉन्ज एक्सेस मिल जाएगा, मतलब कि हर क्वार्टर में 1, मतलब साल में 4 बार आप एयरपोर्ट लॉन्ज का बेनिफिट ले सकते हैं। चौथा इसका बेनिफिट है, इसमें एड ऑन कार्ड फैसिलिटी दिया गया है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को या किसी सिबलिंग को अपना एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फ्री में इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा इसका बेनिफिट है, इसमें 1% का फ्यूल सरचार्ज जो देना होता है हर क्रेडिट कार्ड में, वो इसमें नहीं लगेगा। अगर आप मिनिमम 500 रुपया से 300 रुपया तक के फ्यूल भराते हैं, तो आपको 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है वो नहीं लगेगा, वो आपको वेव अप हो जाएगा। और मैक्सिमम आप 100 रुपया तक अपने फ्यूल सरचार्ज को वेव अप कर सकते हैं। इस कार्ड का यूज आप वर्ल्ड वाइड 24 मिलियन आउटलेट पर यूज कर सकते हैं, उनमें से 3.25 लाख आउटलेट इंडिया में, वहाँ इस कार्ड को यूज कर सकते हैं, और उन सारे जगहों पर जहाँ वीजा कार्ड एक्सेप्ट होता है, वहाँ इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। आप जितना भी कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से अर्न करोगे, वो सारा कैशबैक आपके नेक्स्ट महीने का जो बिल का स्टेटमेंट है, उसके साथ में 2 दिन के अंदर सेटलमेंट कर दिया जाएगा। जो भी आपका नेक्स्ट मंथ का बिल आएगा, उसमें से सारा कैशबैक माइनस होके ही बिल आएगा। तो यह एक बेनिफिट है। अब बात करते हैं कैशबैक SBI कार्ड के फी और चार्जेस के बारे में। तो इसका जो ज्वाइनिंग फी है वह बिल्कुल फ्री है। आप पहले साल इस कार्ड को फ्री में एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर से कार्ड का जो रिन्यूअल चार्ज है वह 999 रुपया प्लस GST है, मतलब 1180 रुपया आपको एनुअल फी हर साल देना होगा। अगर आपको यह एनुअल फी नहीं देना है और इसको आपको वेव कराना है, यानी इसको रिवर्सल कराना है, तो इसके लिए आपको इस कार्ड से साल में 2 लाख रुपया खर्च करना होगा, जिससे आपको एनुअल फी नहीं देना होगा। और जितनी भी साल आप इस कार्ड से 2 लाख रुपया खर्च करते रहेंगे, उस साल आपको एनुअल फी जो 1180 रुपया है वह नहीं देना होगा। अगर आप इस कार्ड से एड ऑन कार्ड करते हैं, तो इसके लिए भी कोई भी फी नहीं लगेगा, वह भी आप फ्री में कर सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ATM से कैश निकालते हैं, तो आपको 2.5% का चार्ज या 500 रुपया, इन दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वो पे करना होगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट यूज करते हैं, तो आपको 2.5% या 600 रुपया, इन दोनों में जो भी ज़्यादा है वो आपको देना पड़ेगा। बात करें इस कार्ड की लेट पेमेंट फी की, तो अगर आप 0 से लेकर 500 रुपया तक लेट पेमेंट करते हैं, तो आपको कोई भी लेट पेमेंट फी नहीं लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप अगर कोई लेट पेमेंट फी करते जाते हैं 500 रुपया से अधिक, तो आपको उस पर लेट पेमेंट फी देना होगा। पूरा चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं कितने कितने लेट पेमेंट होने पर आपको क्या क्या चार्जेस देना होगा। तो यह पूरा इस चार्ट पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। बात करें कि इस कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
कौन कौन लोग इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट, जिनकी आयु 21 साल से 70 साल के बीच है वह इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, जिनका एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है वह इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, सैलरीड और नॉन सैलरीड कोई भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और फोर्थ, जिसका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर हो वह इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। एक गुड क्रेडिट स्कोर, जब आपका 700 से अधिक क्रेडिट स्कोर होता है तो उसको माना जाता है। बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो फर्स्ट आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा बैंक डिटेल, चौथा आपको एक फोटोग्राफ लगेगा, और पांचवा आपका 3 महीने का पे स्लिप, या अगर आपने कहीं पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो वह भी देने से आपका काम चल जाएगा। अब बात करें कि कैसे इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप SBI कार्ड के वेबसाइट पर जाकर भी वहां से अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपने SBI के किसी नियरेस्ट ब्रांच में जाकर भी इस कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात करें कि आपको यह कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन स्पेंड ज़्यादा करते हैं और अगर आप महीने में 20 से अधिक ऑनलाइन स्पेंड कर सकते हैं तो आपके लिए कार्ड बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन स्पेंड ज़्यादा नहीं करते हैं और आपकी महीने की खर्च 10,000 से कम है तो आपके लिए कार्ड बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि इसका एनुअल फी भी 1180 रुपया है। तो अगर आप इसके एनुअल फी से अधिक कैशबैक अर्न नहीं करेंगे तो आपके लिए यह कार्ड लेने का कोई सेंस नहीं बनता। तो यह था कैशबैक SBI कार्ड का फुल रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर जो लोग नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।